नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी अल्टीमेटम पर। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जनवरी तक वादे पूरे नहीं हुए तो फरवरी से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन पटवारी का यह अल्टीमेटम उन पर ही भारी न पड़ जाए, क्योंकि विपक्ष में जहाँ अभी एकजुटता की कमी दिख रही है, वहीं फरवरी में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में वो चुनाव की तैयारी करेंगे या बीजेपी को घेरने उतरेंगे। हालांकि अब बीजेपी जीतू पटवारी पर निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि जीतू पटवारी की इस चेतावनी को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेगी, और चुनाव के बीच अल्टीमेटम कहीं कांग्रेस पर तो नहीं भारी पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हमने कहा है जनवरी आपकी है, जनवरी के बाद पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। हमने कहा है जनवरी आपकी है, जनवरी के बाद पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। सुना, जीतू पटवारी बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर उन्होंने एक महीने के भीतर चुनाव में किए वादे पूरे नहीं किए तो फरवरी से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। लेकिन फरवरी के आखिरी हफ्ते में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की उम्मीद है। ऐसे में अब कांग्रेस चुनाव की तैयारी करेगी या फिर बीजेपी को घेरने सड़क पर उतरेगी। खैर, जीतू पटवारी का ये बयान बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक दाव भी हो सकता है। एक महीना दो दिन 32 दिन हो गए, रामायण और महाभारत, रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द, एक भी अक्षर का आपने पालन नहीं किया है। अनुरोध है आपसे, किसानों के साथ धोखा मत करो। हमने कहा है जनवरी आपकी है, जनवरी के बाद पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। मोहन कैबिनेट विस्तार से पहले ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर वादे पूरा करने का प्रेशर बनाती आ रही है और अब कह रही है कि वो फरवरी से अपनी भूमिका में आएगी। हालांकि जीतू के अल्टीमेटम को बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही है। बीजेपी उनके इस बयान पर निशाना तो साध रही है, साथ ये भी कह रही है कि बीजेपी सरकार के किए सभी वादे पूरे होंगे। कांग्रेस जब से हारी है तब से उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं। कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है और हम तो सदैव ही सतत ही जनता की सेवा में रहते हैं। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम जनवरी तक देखेंगे और जनवरी तक सब अपने संकल्प पूरे करे भाजपा। तो 5 साल की सरकार चुन के आती है और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए जीतू जी, हम जनता की सेवा में सतत लगे हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि भले ही जीतू पटवारी ये कहें कि अगले महीने से वो बीजेपी को घेरने उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी और उनके नेता जुटे होंगे तो दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट होना होगा, क्योंकि हाल ही में सांसदों के निलंबन पर जब जीतू पटवारी धरने पर बैठे थे तो गिने चुने नेता ही उनके साथ नजर आए। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी को घेर पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और जो कुछ जीतू पटवारी ने कहा वो आपने सुना है, तो आमतौर पर कहा जाता है कि हनीमून पीरियड जो सरकारों का होता है कम से कम 3 महीने का होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कहें या जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं कि 3 महीने का समय ना जीतू पटवारी के पास है ना कांग्रेस का कि वो हनीमून पीरियड के लिए बीजेपी को खुला छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है कि जब वो अपनी जो नए नए अध्यक्ष बने वो अपने संगठन को संभालेंगे या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है आपको तो फिर नेता प्रतिपक्ष का दायित्व ज़्यादा बढ़ गया कि वो सदन के अंदर से काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए मनोज जी, जीतू पटवारी अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ये आप मान के चलिए कि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि विधानसभा में जो हार कांग्रेस को मिली है उससे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या उनके नेता हैं उनमें एक निराशा का भाव है। बिल्कुल।
और उस निराशा के भाव को आपको दूर करके एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को तैयार करना, ये वास्तव में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समय कम है। अगर समय ज्यादा होता तो निश्चित तौर पे वो उस चीज को कर पाते, लेकिन चूंकि समय बहुत कम है, आप खुद देखिए कि फरवरी में अगर चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाती है, इसका मतलब है कि मार्च से पहले चुनाव हो जाएंगे लोकसभा। बिल्कुल। अब इन परिस्थितियों में जीतू पटवारी अगर ये अल्टीमेटम दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपने जो भी वादे किए हैं वो पूरे करें, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है जो स्वीकार करने योग्य हो, क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी और तब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आरोप लगाया था कि आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है जो आपके वचन पत्र में था, तो उनका ये कहना था कि ये हमारा जो वचन पत्र है ये 5 साल के लिए होता है। बिल्कुल। तो वही बात अब भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है, तो भाई जो भी हमने वादे किए हैं वो कोई 1 महीने के तो है नहीं, 1 महीने में तमाम वादे कैसे पूरे हो सकते, उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ती है। या सरकार के पास जो नंबर्स हैं उसमें ये भी डर नहीं है कि हफ्ते 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने में कोई सरकार गिरा देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अगर 2-4-5-10 लोग विद्रोह भी कर ले तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं बाकी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का विद्रोह होगा। तो ये जो 5 सालाना आपके कार्यक्रम है उसको आप ये सोचो कि 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देगी, इतने संभव नहीं। और ये कांग्रेस के सामने भी था जब उनको समय की जरूरत थी, उनका कहा 15 महीने तो हमारी सरकार को ही हुए और 15 महीने में हम कैसे सबका तमाम जो वादे हमने किए हैं वो पूरे कर दें। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करने की जो कोशिश है जीतू पटवारी की तरफ से, लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तो आपका जो संगठन बिखरा बिखरा है और इसी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और आप पिछड़ गए, तो सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तो आप सरकार को आराम से घेर सकते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि जो उन्होंने बैठक ली थी या जो धरने पे बैठे थे उसमें बहुत ही कम जो नेता हैं वो सबसे हुए थे। बिल्कुल। जो राजधानी में मौजूद नेता थे वो भी नहीं पहुंचे, जो राजधानी के दो विधायक हैं आतिब वकील और आरिफ मसूद, वो तक इस धरने में नहीं पहुंचे थे। तो जब सबसे पहले आपके यहाँ जो गुटबाजी है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, और जब गुटबाजी खत्म होगी तब संगठन मजबूती आएगी। दूसरा, फिर संगठन में आपको पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, ऐसा तो है नहीं कि जीतू पटवारी अपनी मर्जी से संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। निश्चित तौर से उनको दिल्ली दरबार में जाना पड़ेगा, वहां चर्चा होगी, उसके बाद उन पदाधिकारियों की घोषणा होगी, उसमें भी हो सकता है कि बहुत से लोग असंतुष्ट हो जाएं। तो चूंकि एक अनुशासन का एक बड़ा जो हिस्सा है वो कांग्रेस में है नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि जीतू पटवारी ने जो बात कही है वो ठीक है कि देखिए प्रेशर क्रिएट करने की बात है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह करने की बात है, उत्साह लाने की बात है, ये भी बताना कि नया अध्यक्ष आ गए हैं जी, कि हम सड़क पे आ जाएंगे, और ये भी बताना कि भाई मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति हूँ और अभी तक जो बुजुर्ग लोग कांग्रेस को चला रहे थे उससे बेहतर मैं कुछ नया करके जी। ये निशाना कहीं बुजुर्ग अध्यक्ष पुराने वाले पर भी तो नहीं है, क्योंकि किसानों की भी बात की हो और इन्हीं जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर बैठकर किसान गोलीकांड के बाद मंदसौर के उस गांव में राहुल गांधी पहुंचे थे जहां तक 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात हुई थी। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने पहली फाइल पर साइन यही किए थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा 56 लाख किसानों का, लेकिन हुआ नहीं था। और अब ये जीतू पटवारी भी दिन गिन रहे हैं कि 32 दिन हो गए हैं, जनवरी और देख रहे हैं, तो पुरानों पर तो निशाना नहीं है कि भैया आप जैसा मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं सड़क पर उतर आऊंगा? देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता है कि जीतू पटवारी अभी दिग्विजय सिंह या कमलनाथ को इस तरह से चुनौती देकर कोई जोखिम उठाना चाहेंगे। जीतू पटवारी युवा हैं, जोश है उनमें, और हमने उनकी सक्रियता की काबिलियत, हमने जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, हमने देखा भी है। हाँ, उनमें थोड़ा उतावलापन ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि उतावलेपन में वो ये बात कह गए हैं कि जनवरी छोड़ देते हैं, हम फरवरी से हम मोर्चा संभालेंगे। लेकिन शायद उनको इससे बेहतर ये होता कि वो एक रणनीति बनाकर मैदान में उतरें, रणनीति बनाएं, पहले अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करना है। जो आज उनके हारे हुए उम्मीदवार थे जो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में ही आस्तीन के सांप हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी हार की बड़ी वजह बने। बड़े नेता एक अलग सुर अलाप रहे हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम ने हमको हरवा दिया है,
जीतू पटवारी खुद ही मानते हैं कि लाडली बहना योजना की वजह से हार मिली है, और अब जो आज बैठक हुई है उसमें अधिकांश हारे हुए उम्मीदवारों ने कहा है कि वो परिस्थितियां ऐसी थीं कि जो भीतर खातियों की वजह से हारे हैं, अपने ही लोगों की वजह से हारे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी के सामने संगठन की है, जो चेतन भट्ट जी भी कह रहे हैं, उनको संगठन को मजबूत करना चाहिए। क्यों परिस्थितियां ऐसी बनी, एक ठोस रणनीति बनाना चाहिए कि आंदोलन किस तरह से आप करोगे, कैसे आग, जब फरवरी में ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी, तो आप ये तैयारी कीजिए कि लोकसभा को कैसे जाना है, किन मुद्दों के साथ जाए। नहीं नहीं, सरकार को घेर के आलोचना करके मुझे लगता है कोई फायदा होगा, क्योंकि आपको कटघरे में घिर जाओगे। आपने तो 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, सबसे बड़ा वादा था 10 दिन में, लेकिन 15 माह में आप कर नहीं पाए थे, और आप कहते थे कि 5 साल के लिए हमें सरकार मिली। ऐसा कोई बड़ा वादा इस सरकार ने नहीं किया था जो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जो एक वादा था लाडली बहना योजना का, चुनाव से पहले से लागू है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के सामने ऐसी कोई चुनौती है जो विपक्ष ऐसा कोई मुद्दा बना सकता है। उससे बेहतर होता है कि आप वैसे भी खड़े नहीं कर पाओगे, आंदोलन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 14 तारीख से भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं आपके नेता, तो आप उसकी तैयारी करो। मध्य प्रदेश में यदि वो यात्रा निकलेगी तो उस माहौल को आप कैसे बरकरार रखोगे, लोकसभा में उसका कैसा फायदा उठा सकोगे, संगठन में नियुक्तियों के साथ ये रणनीति बनाएंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अभी से यदि वो अपने ही नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं, तो ये और जोखिम भरा हो जाएगा। वैसे ही आप देखिए कि 164 जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो ही पूरे नहीं आए आपके बुलाने पर, वो जीते वाले तो आपसे किनारा कर ही रहे हैं। तो गुटबाजी कांग्रेस में जो है, मुझे नहीं लगता इस वजह से यदि आप इस तरह से चुनौती देंगे, पुरानों पर निशाना साधेंगे, तो और संकट खड़ा होगा। तो बढ़िए, सदे कदमों से आपको चलना चाहिए, और बेहतर होगा कि आप रणनीति बनाएं ठोस, उसके अनुसार आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। सरकार को किस चीज़ पर कटघरे में खड़ा करना है, अभी तो स्वर अलग अलग दिखते हैं। उमंग सिंघार एक दिन पहले तारीफ कर देते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्शन किया है, और आप सरकार पर सवाल उठाते हो। तो मुझे लगता है जो 3 युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है केंद्रीय आलाकमान ने, उनको तालमेल बनाकर सदन में किस तरह से सरकार को घेरना चाहिए, सड़क पर किस तरह से लड़ाई लड़ना चाहिए, एक समन्वयता तो उनमें दिखे कम से कम युवाओं में। जो बड़ों में गुटबाजी दिखती थी भाई, उनमें दिखने लगी है, तो मुझे लगता है इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसे में जीतू पटवारी को उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो बड़े सदे कदमों से चल सकते हैं ताकि इसके दूरगामी परिणाम हो। अभी आप इस तरह से उतावलापन दिखाएंगे, लोकसभा चुनाव में आप पर ही आपकी पार्टी के लोग निशाना साधने लगेंगे यदि आप सफल नहीं हो पाए तो। एक और चीज़ है चेतन जी, कि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका उद्देश्य उन्होंने नया बताया कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम सड़क पर बोलेंगे। तो यहाँ तो कांग्रेस के सामने वो परिस्थिति भी नहीं है, क्योंकि अभी जो सत्र हुआ था केवल शपथ ग्रहण और छोटे मोटे कामकाज के लिए, अब बड़ा सत्र में अभी समय है, तो बोलने के लिए तो कई सारा उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस के नेता जा भी रहे हैं कि जीतू पटवारी की बात करें हम, उमंग सिंघार की, हेमंत कटारे और जो जितेंद्र भंवर सिंह है, वो अभी 3 दिन के दौरे पर निकलने वाले हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों, 9 से 11 तक। तो सवाल ये है कि जब आज की बैठक में ये कहा जाता कि अंदर पहले आस्तीन के जो सांप है उनसे मुकाबला कीजिए, तो पहले तो अपना घर दुरुस्त करना जरूरी है सबसे पहले जीतू पटवारी को, कि वो आस्तीन के सांप कौन है और वो कौन सी आस्तीन है जो अपने इन सांपों को पनाह दे रही, पहले तो उनसे निपटे। विपक्ष से सरकार से निपटने के लिए तो पूरा 5 साल है उनके पास। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप किसी युद्ध में कूदने की कोशिश करते हैं या युद्ध में जाने का आपका प्रयास है या आपके सामने दूसरी सेना खड़ी है, तो पहले तो आपको अपना आकलन करना होगा कि हमारे पास क्या क्या शस्त्र अस्त्र हैं, हमारी सेना कितनी ताकतवर है, सामने वाले की सेना कितनी ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बेहद मजबूत है, इसमें कोई इसको कोई विरोध नहीं कर सकता। और ये तो कांग्रेस भी जानती है कि उनका संगठन बहुत बड़ा है और बहुत कार्यकर्ता इस तरह से काम करते हैं कि धन मंथन लगा के काम करते हैं। दूसरा, उनके साथ एक जो पीछे से एक बहुत बड़ी ताकत है वो आरएसएस की है। बिल्कुल, कांग्रेस सेवा दल इस तरह का एक प्रयोग था कांग्रेस में कि कांग्रेस सेवा दल जो है वो इस तरह का प्रयास करेगा, या जो युवक कांग्रेस है या आपका NSUI है। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम संगठन बिल्कुल शांत है। अब प्रदेश में जो युवा कांग्रेस क्या कर रही है किसी को नहीं मालूम, कांग्रेस सेवा दल क्या कर रही किसी को नहीं मालूम, या NSUI क्या कर रही किसी को नहीं मालूम।
तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब तो आप सामने वाले से मुकाबला कर सकते, और वो भी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला है, ऐसे दल से आपका मुकाबला है जो बहुत संगठन के रूप में सक्षम। अब आप कह रहे हो कि हम, बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे आसीन के सांपों ने भी हमको हरवा दिया, तो पहले तो उन सांप जो आसीन के सांप है उनको आपको ढूंढना होगा। अब उसमें किस तरह के लोग हैं, किस किस के इशारे पे ये हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पहली दूसरी बात यह है कि अभी आपको पैसा भी इकट्ठा करना है, वो जो एक स्कीम चलाई है 1380 रुपए देने की, उसमें अभी लगे हुए हैं लोग। उसके बाद लोकसभा की तैयारी करना है, उसके साथ साथ आपको लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का भी चयन करना है। आपको आपका ही कहना कांग्रेस का कि हम 1 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, तो अभी आपका सर्वे होगा, उसमें कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सर्वे किया जा रहा है, तो उस आधार पे किसको टिकट मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चारों तरफ से आपने अपने आप को, चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, उन्होंने बता दिया है कि अब उनका आने वाला क्या कार्यक्रम है, तो ऐसे में ये भी संभावना जो आपने जिक्र किया कि फरवरी में हो सकता है चुनाव का ऐलान हो जाए। हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, वो जनवरी में 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरा देश राममय होने वाला है, और जिस तरह से टीवी चैनल्स में भी भगवान राम के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, श्रीमद् रामायण ऐसे वक्त पे चालू की गई है, दो दो तीन तीन बार दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसके बाद निश्चित तौर पे उसको ये फायदा तो मिलने ही वाला है। इसको आप स्वीकार करो या ना करो, ये कांग्रेस स्वीकार करे ना करे, गठबंधन स्वीकार करे ना करे, लेकिन जिस तरह से एक धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पे किया है, उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। और वो चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसका फायदा हमको अगले 1-1.5-2 महीने के भीतर मिल जाए, और इसलिए अगर मई में पहले चुनाव थे तो हो सकता अप्रैल में चुनाव हो जाए। तो अभी कांग्रेस के सामने बहुत से सवाल है जिनका हल उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले जो एक आपका जो प्राथमिकता है वो है आपको संगठन में मजबूती का। एक साथ आप 4-4, 5-5 अगर काम दे दोगे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, तो एक ही काम आपका सफल नहीं हो पा रहा। किसी एक आपके निशाने पे आपको दृष्टि अपनी रखना पड़ेगी, तब आप उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जीतू पटवारी जैसा भी ब्रिजेश भाई ने भी कहा कि बहुत ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं होता है, विशेषकर राजनीति में तो धीर गंभीर व्यक्ति ही ज्यादा उतावलापन का खामियाजा वो खुद कई बार भुगत चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर भुगत चुके हैं। अभी आप देखो चुनाव में हार चुके हैं, अब ऐसे हारे हुए व्यक्ति इसमें भी कई सवाल, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो कुछ हुआ घटनाक्रम वो सबने देखा है। नहीं, और दूसरा ये सवाल भी उठाए जा सकते हैं कांग्रेस के भीतर से अंदर से कि भाई ये हारे हुए व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना दिया, बहुत से जीते हुए विधायक हैं उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना। तो ये बहुत से सवाल है कि जीतू पटवारी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो बड़े धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़े, तब जाके वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो गुटबाजी कांग्रेस में दिखाई देती है उस गुटबाजी को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत लंबे समय से ये गुटबाजी है और इसका खामियाजा तो कांग्रेस ने खुद इस चुनाव में देख भी लिया है, और कई चुनाव हमने देखे हैं, अकेले मध्यप्रदेश नहीं, हाल में छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी देखा। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, तो ब्रजेश जी की मध्यप्रदेश में और बड़ी चुनौतियां तो है ही उनके सामने, कि सबसे पहले तो वो एक बाड़ी अपनी जो बना ले, कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपने पूरी बाड़ी भंग कर दी है, केवल जिला अध्यक्षों को कहा है वो काम करते रहे, तो अकेला जिला अध्यक्ष किस कार्यकर्ता को लेकर चलेगा, वो कार्यकर्ता को कैसे जुटाएगा, और दूसरा कि कौन उम्मीद है, या तो फिर उनके दिमाग में ये हो कि पहले एक आंदोलन छेड़ दें ताकि पदाधिकारी बनने की होड़ में कई सारे नेता हैं वो भीड़ जुटा लें या प्रदर्शन के लिए तैयारी कर लें, लेकिन ये चुनौती अभी आप अभी भीड़ जुटाना है, फिर आपको राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटाना है, और जो चैतन्य जी भी कह रहे हैं कि कई सारे आपने मोर्चे खोल दिए हैं, अगर तो नुकसान तो आपका ही है। देखिए मनोज जी, होता क्या है कि जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारा जाता है। यदि आज यदि जीतू पटवारी कुछ वो भी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ज़्यादा फायदा होगा। यदि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही तो उसका फायदा उनको लेना चाहिए, और जीतू पटवारी को अभी सामने से नहीं लड़ना है मनोज जी। यदि वो बीजेपी से लड़ने, सरकार से लड़ने उतरेंगे, पहले तो उनको अपने लोगों से लड़ना है जिन धुरंधरों को वो पछाड़कर प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अंदर से जिस तरह से उनको चुनौती मिलेगी, उनको असफल करने की कोशिश की जाएगी, वो कोई आंदोलन छेड़ देंगे, तो कांग्रेस में कोई ऐसा संगठन तो है नहीं है।
कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बन गया, उसने एक आवाज दी। कांग्रेस के दिग्गज लोकसभा के नतीजों से उनका आकलन करने लग जाए, जबकि वक्त कम है और उनके संग बेइंसाफी होगी। आप देखिए कि कांग्रेस में नेताओं के समर्थक होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। चाहे वो कमलनाथ जी को देख लीजिए, वो तो इनसे बड़े नेता थे ना, मैनेजमेंट में माहिर थे, उनके अपने समर्थक थे, उनके अपने फॉलोअर्स थे, भले ही एक क्षेत्र तक सीमित हो। और दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने कितने सारे कार्यक्रम किए, घर घर चलो अभियान से लेकर तमाम अभियान। उनका हश्र क्या जीतू पटवारी को पता नहीं है? तो जब जीतू पटवारी अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या वो सिर्फ एक ऐलान करने से उनके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे? बीजेपी कुछ से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, सरकार से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे? मुझे लगता है कि वो ये ऐलान करके सड़क पर उतर जाएंगे ना मनोज जी, तो उनकी लोकप्रियता में ही गिरावट आएगी, क्योंकि पीछे कोई नहीं देखेगा। मशहूर फिल्म का हमने डायलॉग भी देखा है कि आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे कोई पीछे बचा नहीं। आप तो एक ही चीज से अंदाज लगा लीजिए, उनके सिर्फ ज्वाइन करने की वो छोड़ दीजिए कि आपके साथ बड़ी संख्या में आपके समर्थक भोपाल तक आ गए और आपने एक माहौल खींचने की कोशिश की, इसके बाद आपने एक प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। भोपाल में आप प्रदर्शन कर रहे हो, भोपाल के ही विधायक उसमें शामिल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको शायद वो अभी भी नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जो आपसे बड़े हैं, और दो बड़े नेता जो दिग्गज नेता हैं, आप तीन मान लीजिए, अरुण यादव को भी ले लीजिए। क्या अरुण यादव ने आपको अपना नेता स्वीकार कर लिया? क्या अजय सिंह राहुल भैया ने नेता स्वीकार कर लिया? क्या कमलनाथ ने, सुरेश पचौरी ने, दिग्विजय सिंह ने आपको नेता स्वीकार कर लिया? अभी तक वैसी परिस्थितियां नहीं है। तो आपको समन्वय बनाना है, सबसे तालमेल बनाना है, उनको साथ लेकर चलना है, तब कहीं जाकर आप सफल होगे। अभी से आप एक ज्यादा उतावलापन दिखाओगे तो यही नेता आपकी टांग खींच के आपको किनारे पटक देंगे, फिर आप वैसे ही कहेंगे जैसे अरुण यादव कहते थे कि फसल मैंने बोई है, काट कर कोई और ले जाता है। तो आप यदि फसल को अच्छे तरह से वो करना चाहते हो तो सब लोगों को साथ कर चलो, फसल बोगे तो हो सकता है आपको फायदा मिले उसको, वरना कांग्रेस में हमने देखा है कि कोई और काट ले जाता है। तो जीतू पटवारी जी के लिए एक यही सलाह है मेरी भी और चैतन्य जी की, कि बड़े शांति से चलें, वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें। जिस तरह से बीजेपी का संगठन है, वो खुद स्वीकार करते हैं कि बीजेपी के संगठन मजबूत है, उनसे पहले के नेता भी चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, वो संगठन की तारीफ करते हैं बीजेपी की। तो कांग्रेस पहले ये देखे कि हमारी दीवारें कहाँ से कमजोर हैं, हम में कहाँ से सेंध लग जाती है, हमारे यहाँ क्यों आस्तीन के सांप हैं, हमारे यहाँ क्यों गद्दार हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे वो दुरुस्त करेंगे। और हर बार वो कहते हैं कि गद्दारों को निकाल दिया हमने, संजय चंदों को निकाल दिया, और हर बार फिर वही बात निकल के आती है कि वो गद्दार हैं, वो जयचंद हैं, आस्तीन के सांप, ये भी एक बड़ा संकट है। तो अब तो देखिए उनके जो हारे हुए उम्मीदवार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको निकाल दीजिए, मतलब उनको भी डाउट है कि कुछ पर कार्रवाई करोगे बहुत सारे रह जाएंगे, लेकिन आपको एक संदेश तो देना पड़ेगा, आपको ये तो बताना पड़ेगा कि अनुशासन जरूरी है, और यदि आपको फ्री हैंड है तो आप कार्रवाई कीजिए चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी पार्टी में आप कार्रवाई कर दी, एक ऐसे व्यक्ति को या एक ताकतवर व्यक्ति को आप लटका दीजिए, कार्रवाई कर दीजिए, हो सकता है जीतू पटवारी का डंका बच जाए, हो सकता है पार्टी में कार्यकर्ताओं में ये लगे कि ये नेता दमदार है, हमको अच्छा नेतृत्व मिला है, और वो सर्वाइव करने लगे। संगठन कैसे मजबूत हो, बड़े लोगों को कैसे साथ के चले, अनुसांगिक संगठन जो शांत पड़े हुए हैं उनको कैसे सक्रिय किया जा सके, इसमें अभी मुझे लगता है कि होमवर्क करने की जरूरत है जीतू पटवारी को, ना कि हवा हवाई बातें करने से कि चुनौती देने से। आप एक ऐसे सामने जो विरोधी है आपका, जो ताकतवर है संगठन से, अनुशासन से और नेताओं से, आप उसको चुनौती देके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? पहले आप उसके लिए सक्षम तो बन जाओ, अपनी टीम तो बना लो, फिर उनसे मुकाबला करो, तर्कों के साथ करो। नहीं तो जो जीतू पटवारी की अभी तक छवि बनती आई है, वो छवि यदि बन जाएगी उनकी कि सिर्फ हवा हवाज नेता हैं, हवाबाजी करते हैं, हवा में ललकारते हैं सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस की बनी हुई, तो मुझे लगता है आगे जाके उनको दिक्कत होगी। इसलिए वो ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनके कैरियर के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, वक्त यही है कि ठोस रणनीति से साथ आगे बढ़े, ना कि पानी पर लट चलाने का काम करें। बहरहाल अब समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका चेतन जी। तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी उतावलेपन के लिए तो मशहूर हैं, लेकिन क्या इस बार भी उतावलापन कर रहे हैं या एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिन मौजूदा परिस्थितियों में उनको संगठन मिला है और जो करारी हार कांग्रेस को मिली है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सबसे पहले जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना वो अपनी जगह, वो विपक्ष का काम भी है, वो खोना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने संगठन को दुरुस्त किया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए पहले देखा जाए कौन उम्मीदवार होंगे, क्या रणनीति होगी, उस पर आगे बढ़ा जाए। और सरकार तो 5 साल के लिए, और जीतू पटवारी के ये भी युवा हैं, उनके पास भी लंबा वक्त है, तो ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब वो सरकार को घेर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले यही है कि जब संगठन मजबूत होगा तो सरकार को आप घेरना भी आसान होगा और सरकार आपसे डरेगी भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।